कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डियर गर्ल्स, यू विल नेवर रीच योर गोल्स इफ यू स्टिल केयर अबाउट सोसाइटी वर्क्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती डायरी में। जो चैनल पर नए आए हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि मैं CGPSC की तैयारी कर रही हूं और मैंने 21 डेज के लिए 6 hour स्टडी का चैलेंज लिया है और अपने प्रिपरेशन ब्लॉग को मैं यहाँ शेयर करती हूँ। तो वीडियो पे बने रहें और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आज सबसे पहले एज यूजुअल मैंने अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल फिल किया और अपना टू डू लिस्ट बनाया। ये दोनों हैबिट आपके पूरे दिन को एक ट्रैक पर रखती हैं। 21 डेज का चैलेंज है क्यों? रिसर्च कहते हैं कोई भी हैबिट डेवलप करने में हमें हमारे माइंड को 21 डेज का समय लगता है। 21 डेज में वो अपना हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और कोई भी चीज़ हमारी हैबिट में आ जाती है। इसलिए मैंने 6 hour स्टडी करने का 21 डेज का चैलेंज लिया है। इसमें 3 पड़ाव होते हैं। शुरू के 7 दिन आपको अपने टाइम को मैनेज करने में, अपनी परिस्थितियों से तालमेल बैठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद के 7 दिन बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि माइंड में फिर एक फाइट चलती है कि छोड़ दें, नहीं करें क्या, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद के जो 7 दिन होते हैं, फिर चीज़ें ईजी हो जाती हैं और हमें उसकी हैबिट हो जाती है। किसी भी हैबिट को डेवलप करने के ये 3 पड़ाव होते हैं, जिसमें से मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया है। आज है day 8, मतलब अब मैं अपने माइंड से एक संघर्ष करूँगी कि छोड़ दूँ क्या, नहीं हो पा रहा है, इसको क्विट करते हैं। अगर इस पड़ाव को मैंने पार कर लिया तो आगे के 7 दिन मेरे लिए बहुत ईजी रहने वाले हैं और मैं 6 hour स्टडी करने की जो हैबिट बनाना चाहती हूँ वो हैबिट मेरी बन जाएगी। आज से मैंने न्यूज़पेपर रीड करना भी स्टार्ट किया है। मुझे न्यूज़ देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या है, अगर आपको अवेयर रहना है, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अवेयरनेस ही होते हैं, तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी होती है। तो बात जब न्यू हैबिट डेवलप करने की हो रही है तो ये पीछे क्यों रहेगा, इसलिए मैंने इसको भी स्टार्ट किया है। और उसके बाद पजल सॉल्व किया। आपको ये पजल सॉल्व करना चाहिए, इससे हिंदी का शब्द ज्ञान बढ़ता है जो आपके लैंग्वेज के पेपर में बहुत काम आएगा, और फिर इससे माइंड की कसरत भी हो जाती है तो पढ़ाई में भी आपको हेल्प हो जाएगी उससे। आज के फर्स्ट सेशन में मैं CGDS पढ़ रही हूँ। CGDS इसलिए क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाय हार्ट छत्तीसगढ़ पढ़ना, छत्तीसगढ़ के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एक तरह से पढ़ना नहीं, अपने राज्य के बारे में जानना हो जाता है। और देखा जाए तो CGDS का वेटेज भी एग्ज़ाम्स में ज़्यादा होता है। इसके क्वेश्चन पूरे 50 क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं, तो इसको जितना पढ़े उतना कम है। और अब तो कूट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ही बुक को, एक ही टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें वहाँ फिर कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। मैं अभी जिला परिचय पढ़ रही हूँ, जिलों को एक बार रीड कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ना हम अगर मैप से याद करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद होती हैं और स्थायी रूप से याद होती हैं। नॉर्मल ऐसे याद करने से वो फैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मैप से याद करेंगे तो मैप में समझ लीजिए आप एक व्यवस्थित तरीके से उसको बैठा रहे हैं और वो चीज़ें हमेशा लंबे समय तक याद रहेंगी। नाउ इट्स टाइम टू सेकेंड सेशन। अब मैं पॉलिटी का रिविजन करूँगी, भाग 1 से पूरा भाग 5 तक। ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करूँगी आज, सिर्फ थ्योरी पढ़ूंगी और उसके बाद कल इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगी। अगर प्री की बात करें ना, तो पॉलिटी के क्वेश्चन सिर्फ भाग 1 से भाग 6 तक ही आते हैं और पंचायत के क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आते हैं। अगर इंडियन GS में पॉलिटी के सिर्फ भाग 1 से भाग 6 तक ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर भाग 5 और भाग 6 से,
तो मैं उसी को बार बार रीड कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में मेरे से कोई भी गलती ना हो और कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पॉलिटी में तो कूट वाले क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसको आप जितना पढ़े रहेंगे, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करे रहेंगे ना, आपके लिए उतना अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मूड एकदम ख़राब रहता है और हमको पढ़ने का मन नहीं करता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लड़कों का क्या है, लड़के घर से बाहर निकलते हैं तो अपना मूड फ्रेश किए और वापस आके पढ़ने लगे, या तो फिर लाइब्रेरी चल जाते हैं। बट जो लड़कियां घर से रहकर प्रिपरेशन कर रही हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही चैलेंजिंग होती है, क्योंकि उनको घर भी मैनेज करना है और फिर अपनी पढ़ाई भी देखनी है। और सही मूड से की हुई पढ़ाई ही हमें फ्रूटफुल होती है, तो अपना मूड सही करके कैसे पढ़ा जाए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए CGPSC का सिलेबस ही इतना अच्छा है कि आप इससे अपना मूड भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पढ़ने का मन नहीं लग रहा है ना, आप कोई टफ सब्जेक्ट उठाए हैं और आपका मूड सही नहीं है, अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें और टफ होंगी। तो ऐसे टाइम में, जिस टाइम आपको पढ़ने का मन नहीं है या तो आपका पूरा मन नहीं है, तो आप ना लैंग्वेज के क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। लैंग्वेज में भी क्या, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब पढ़ना ना बहुत अच्छा लगता है। और अब तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं ना, उसको पढ़ करना इतनी हंसी आएगी, इतना अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे आपका मूड ठीक हो जाएगा और आपका पढ़ने में मन लगेगा। आप ऐसे शब्द पहले ही भर सकते हैं, जैसे देखो मैंने अब उसको कंप्लीट किया है फाइनली। वो क्या है ना, एग्ज़ाम हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में मूड ख़राब करके हम किसी और का नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं, अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं। तो अपने मूड को ठीक होने का टाइम मत दीजिए, उसको खुद ठीक करिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपना मूड कैसे ठीक करते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, मूड ठीक करिए और पढ़ने बैठिए, क्योंकि एट लास्ट हमारी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार सिलेक्शन होने के बाद ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेंगी और आपको फिर बाद में हंसी आएगी इन चीज़ों को सोच के कि मैं किन चीज़ों से परेशान होती थी या किन चीज़ों से परेशान होता था। सो पढ़ाई करना सबसे ज़रूरी है, ऐसे तैसे एन तेन प्रकार कैसे भी, बस पढ़ाई करना है। दिन के थर्ड सेशन में मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, और मैथ्स में आज मैंने टॉपिक स्विच किया है। 7 दिन हो गए थे औसत पढ़ते पढ़ते, तो आज मैंने अनुपात समानुपात का क्वेश्चन उठाया है और इसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगी। पहले पेपर का पैटर्न क्या रहता था, 60 से 70 क्वेश्चन रीजनिंग के होते थे और 20 से 30 क्वेश्चन मैथ्स के। वो ऐसे मैथ्स था जिसको हम छोड़ भी सकते थे, 60-70 क्वेश्चन में आराम से हमारा प्रीलिम्स निकल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन टफ आ रहे हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन भी ना मैथ्स बेस हैं, मतलब कूट वाले क्वेश्चन हैं। जब आप मैथ्स सॉल्व करोगे तब रीजनिंग का पजल हल होगा, ऐसा है। तो मैथ्स को आप स्किप नहीं कर सकते, मैथ्स को भी लेकर चलना पड़ेगा। और मैथ्स ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ के गए और सॉल्व कर लिए क्वेश्चन, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। तो आपको डेली एक से डेढ़ घंटे तो मैथ्स बनाना ही चाहिए। दिन के फोर्थ और लास्ट सेशन में मैं ACF इंटरव्यू की तैयारी के लिए फॉरेस्ट्री के नोट्स देख रही हूँ अपने। ACF इंटरव्यू जब भी होंगे, जैसे भी होंगे, फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, क्योंकि वन विभाग का पोस्ट है तो वन विभाग के क्वेश्चन तो होंगे ही। तो मैं वन के आंकड़े, उनके टर्म्स, फॉरेस्ट्री का पूरा सिलेबस एक बार फिर से पढ़ ले रही हूँ ताकि मुझे इंटरव्यू में हेल्प हो जाए। उसके बाद फिर मैं मॉक दिलाऊंगी, जब इंटरव्यू का डेट आ जाएगा ना, तो किसी इंस्टीट्यूट में मैं मॉक इंटरव्यू भी दूंगी ताकि मुझे बोलने की प्रैक्टिस हो जाए और वहाँ इंटरव्यू के सामने मैं हिचकिचाऊँ ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।